file and 4x minus 3. तो पहले हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ जर्ब देते हैं, ठीक। आज हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ जर्ब देंगे। पहली बाइनोमियल है 2x plus 5, we have to multiply this 2x plus 5 with 4x minus 3। तो पहली वाली जो टर्म है 2x से हम जर्ब देंगे 2x से 4x minus 3 को, और फिर 5 से जर्ब देंगे 4x minus 3 को। जैसा कि मालूम ही है कि पहले हम कोएफिशिएंट को जरब देते हैं, 2x का कोएफिशिएंट 2 है और इस x का कोएफिशिएंट 4 है, तो हम करेंगे 2 इंटू 4, फिर देंगे जरब जो उनके वेरिएबल है x इंटू x, फिर 2x से बीच में देखेंगे साइन क्या है, बीच में साइन है माइनस, तो पहले साइन लिखेंगे 2 माइनस, फिर 2 से जरब देंगे 3 को, कोएफिशिएंट को जरब देंगे, तो 2 इंटू 3 है, ये कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल साथ आएगा इस 2 का, प्लस फिर 5 से जरब देंगे 4x को। पहले हम जरब देंगे कोएफिशिएंट को 5 इंटू 4 इंटू x, बीच में देखेंगे साइन क्या है माइनस, 5 इंटू 3, 5 भी कांस्टेंट टर्म है, 3 भी कांस्टेंट टर्म है, इनको जरब देंगे तो 2 4 8 बनेगा। x इंटू x मीन्स इस x का पावर भी 1 है, इस x का पावर भी 1 है, x रेज पावर 1 प्लस 1 इज x रेज पावर 2 या x स्क्वायर, माइनस 2 3 आर 6 x वेरिएबल साथ है, 5 4 आर 20 x साथ है, माइनस 5 3 आर 15। अब हम देखेंगे कि कोई टर्म ऐसी है जिनका वेरिएबल एक जैसा है, तो यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास है जिनका वेरिएबल एक जैसा है, 6x का वेरिएबल भी x है, 20x का वेरिएबल भी x है, तो जिनका वेरिएबल एक जैसा होगा, फिर देखेंगे साइन क्या है, साइन के मुताबिक या ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, ये माइनस 6 है और ये प्लस 20 है, लिहाजा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 20 में से 6 काटेंगे तो बच जाएंगे 14, 14x माइनस 15 ये आंसर आएगा। ऐसे ही दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 9.4 का, पार्ट नंबर सेकंड, वाई माइनस 8, पहली बाइनोमियल है वाई माइनस 8 और दूसरी है 3y माइनस 4, 3y माइनस 4, तो वाई माइनस 8 से जरब देना है हमें 3y माइनस 4 को, तो पहले इस y से जरब देंगे इस बाइनोमियल को, यानी y इंटू 3y माइनस 4, फिर माइनस 8 से जरब देंगे 3y माइनस 4 को, तो जब हम देखेंगे इस y का वेरिएबल 1 है, कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 3 है, पहले हम कोएफिशिएंट को जरब देंगे, इसके साथ कोएफिशिएंट लिखा नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है 4, तो लिखेंगे माइनस 1 इंटू 4 माइनस 8 को 3 के साथ जरब देंगे कोएफिशिएंट के साथ 8 इंटू 3 और वेरिएबल y, फिर देखेंगे साइन, यहां पर माइनस है और यहां पर भी माइनस है, माइनस साइन से जरब लग जाएगा माइनस को, माइनस इंटू माइनस बनता है प्लस, 8 4 आर 32 या 8 4 8 इंटू 4, तो अब हम सीधे से जरब देंगे 3 1 आर 3, y इंटू y मीन्स y स्क्वायर, इस y का भी पावर जो है 1, इस y का पावर भी 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 4 1 आर 4, 8 3 आर 24y प्लस 8 4 आर 32। अब हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में कोई टर्म ऐसी है जिसका वेरिएबल एक जैसा है, 3y स्क्वायर है, तो यहाँ कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल y स्क्वायर है, माइनस 24y वहां कोई टर्म नहीं है जिसका वेरिएबल y है, तो हमारे पास दो टर्म्स रहते हैं जो एक जैसे हैं, यानी माइनस 4 भी कांस्टेंट टर्म है, 32 भी कांस्टेंट टर्म है,
तो हम क्या करेंगे, 33y² - 24y - 4+32 वो बन जाएगा 3y² - 24y। इन दो के बीच में देखेंगे माइनस फोर है और प्लस 32 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 32 में से 4 काटेंगे तो 28 रहेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 3y² - 24y + 28।